आज है मेरी बेटी की एनिवर्सरी। इस एनिवर्सरी के मौके पे मैं एक गिफ्ट अनाउंस कर रही हूँ। गिफ्ट पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिखना है कि मैंने एनिवर्सरी वर्ड कितने बार यूज की हूँ। लकी विनर को मिलेगा हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट, तो वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो आज है मेरी बेटी की एनिवर्सरी और उस एनिवर्सरी के मौके में आज हमने तैयारी शुरू करी है। अचानक से ये प्रोग्राम बना है। मैं किचन में काम कर रही थी और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने मिलके प्लान बनाया कि आज ही इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना है। एक्चुअली इन लोगों की एनिवर्सरी जो है दिसंबर 31 को आती है और ये एनिवर्सरी हम लोग हर साल ईरान में सेलिब्रेट करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशन हो चुका है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने आप सेलिब्रेट कर चुके हैं। आज हम लोग ने एनिवर्सरी का प्रिपरेशन किया है उनको बताए बिना। तो मैंने मेरी बेटी को फ़ोन किया है कि पानी पूरी खाना है, तो बोली हाँ पानी पूरी खाना है। तो मैंने कहा ठीक है आज शाम में आ जाओ, साथ में पानी पूरी खाते हैं। तो मेरी बेटी जो है डेकोरेशन का काम कर रही है, उसको डेकोरेशन का काम बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी बेटी मेरी है और वो बहुत शौक से इस काम को करती है। हम बोले अचानक भयानक तू बोलेगी तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे और कैसे हम सब चीज़ का इंतजाम करेंगे। तो बोले आप फिक्र नहीं करो मम्मी, मैं सब कर लूँगी, आप खाली मुझे थोड़ी हेल्प करो। तो हम लोग थोड़ी उसको हेल्प भी करते जा रहे हैं और किचन में भी मैं थोड़ा काम करती जा रही हूँ। अब सिर्फ पानी पूरी तो नहीं खिलाएंगे आएंगे बच्चे, तो मैंने सोचा जो घर में है वो निकालो और बनाओ, क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था और आज प्लान कुछ और हो गया है। काफ़ी तैयारी हमारी हो गई है। अचानक प्रोग्राम बना तो सब बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई, लेकिन बहरहाल कर रहे हैं। अभी शाम नहीं हुई है और उन लोग को आने का टाइम भी नहीं हुआ है। अब हम लोग ढूंढ रहे थे कि वाइट कपड़ा बिछाया जाए, तो हम लोग ने देखा कबर्ड खोला, वो वाइट कपड़ा मिल ही नहीं रहा था। फिर याद आया कि वो तो मेरी बेटी के घर में रखा है। अब मेरी बेटी के घर से अगर मैं मंगाती तो उसको समझ में आ जाएगा कि लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ढूंढ ढांड के एक दुपट्टा निकाली हूँ मैंने और ये दुपट्टा ही बिछा लेंगे हम लोग। तो इसको थोड़ा सा कलर है, इसमें प्रिंट ऐसा है, तो मेरी छोटी बेटी को थोड़ा नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि आप इसको चला लो, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ से मांगने जाएंगे तो ये समझ जाएगी कि हमारा कुछ प्लान चल रहा है। तो ये तो ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, बल्कि उससे अच्छा ही लग रहा है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि दुपट्टे की स्टाइल हमारी कैसी लगी आप लोग को। कुछ गिफ्ट का हम लोग ने इंतज़ाम किए हैं, हम लोग ने नहीं बल्कि फजीलत नहीं की है, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे आती भी नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम हमारी छोटी वाली बेटी ही करती है। तो देखिए ये ऑर्डर से कुछ पिक्चर्स है, कुछ मेमोरीज है, जो बहुत सालों की, मतलब 5 साल से लेके अभी तक के पूरी पिक्चर्स इसके अंदर इसने छोटी छोटी कटिंग करवा के इसको फ्रेम करवाई है। और मेरी बेटी और दामाद को मग का बहुत शौक है और मग्स अलग अलग तरीके से खरीदते रहते हैं, तो ये फजीलत नहीं उन लोग के लिए ले आई है। अब अचानक से प्लान बना, तो गिफ्ट रैप करने के लिए भी हमारे पास कोई पेपर नहीं है और आज है संडे का दिन। और हम लोग ने इस प्रोग्राम को इसलिए आज जल्दी से कर लिए क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोग का कुछ ना कुछ सब लोग बिजी है। कहीं मेरी बेटी बिजी है, कहीं हम लोग बिजी है, कहीं मेरे हस्बैंड बिजी है, तो इसलिए हम लोग ने आज ही 11 बजे प्लान किया कि आज इसको कैसे भी करके ख़त्म करेंगे। और उसमें से मेरी एक सर्वेंट भी अवेलेबल नहीं है आज। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा किचन मेरा फैला हुआ है। ये मैंने बर्गर की पैव मंगाई हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं रेसिपी कर रही थी और 2 रेसिपी मैंने कम्प्लीट की मेरी, और उसके बाद इन लोग ने बोले कि आज हम लोग को ये करना है एनिवर्सरी का प्रोग्राम। तो मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, लेकिन मैंने कहा चलो हो जाएगा जो घर में है वो, और दुकान संडे को हमारे यहाँ 2 बजे बंद हो जाती है। तो फटाफट पानी पूरी का मसाला मंगा लिया है, दही मंगा लिया है और पानी पूरी का पानी भी बना के तैयार करके रख लिया, छान लिया है। और साथ में ही सुबह 11 बजे ही वटाना मंगाए हैं, इसको भी मैंने भिगा के रख दिया है, थोड़े अनार छिल के रख दिए हैं। तो यहाँ पर सारा कचरा जो है एकदम मैस पड़ा है। तो बर्गर की पैटी भी मैंने बना ली है, तो बर्गर बनाएंगे। अनार छिल लिया है, अनार चाट में जाएगा।
और ये रख लिया है मैंने थोड़ा पानी बना के, पानी पूरी खाएंगे तो शाम तक तो इंशाल्लाह सब काफ़ी अच्छे से सब काम हो जाएगा। तो बर्तन भी बहुत सारे निकल गए हैं, वैसे वो करके गई है लेकिन वो बोल के गई है कि मैं अभी आती हूँ, आप अपना थोड़ा काम कर लो तो मैं आके आपको हेल्प करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी सर्वेंट्स बहुत अच्छी है। साथ में आलू भी उबालने चढ़ा दिया है, खाना किसी ने नहीं खाया है। कल थोड़ा हमको गिफ्ट में आया था छोले, तो हमने थोड़ा मिल बांट के थोड़ा थोड़ा खा लिया, तो दोपहर का थोड़ा टेका हो गया है। और अभी शाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें तो हम लोग अच्छे से चिटिंग करने वाले हैं। 11 बजे मैं स्लिमिंग टी बना के रखी थी और बाद में पता चला ये सारे प्रोग्राम इन लोग ने तय किए हैं, तो वो स्लिमिंग टी ऐसे के ऐसे ही पड़ी रह गई। ये बच्चे लोग ने चादर जो है डीमार्ट से लेके आए थे मेरे लिए, इसको मैंने वॉश कर ली हूँ और ये सूख गई, तो मैंने सोचा इसी को बिछा लूँ और ये बहुत अच्छी भी लग रही है। जब कोई मेहमान आने वाला होता है मेरे यहाँ तो मैं चादर के ऊपर चादर बिछा लेती हूँ, पुरानी चादर वैसे ही रहन देती हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाता है। जब सारे मेहमान चले जाते हैं रात में तो मैं ये चादर निकाल के रख देती हूँ और नीचे वाली चादर एज इट इज़ रहती है, तो मेहनत मेरी कम हो जाती है। हमारी सारी तैयारियाँ हो गई है और शाम का वक्त भी हो गया है, तो बच्चे लोग भी आते ही होंगे, तो इस एनिवर्सरी में देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि इस एनिवर्सरी के बारे में इनको कुछ भी खबर नहीं है क्योंकि डेट जा चुकी है और इन लोग को यही ख्याल है कि हम लोग की एनिवर्सरी कोई सेलिब्रेट नहीं किया है। सलाम वालेकुम। कैसा लगा सरप्राइज हमारा? नॉर्मली दोनों साथ साथ आते हैं लेकिन आज दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो आपने मेरी बेटी का रिएक्शन देख लिए, अब दामाद का रिएक्शन देखते हैं। और सबसे ज़्यादा खुश तो हमारी इंसिया है, तो अभी मेरे दामाद को आने में टाइम है, तो प्रिपरेशन तो सब हो चुकी है, बस टचअप बाकी है तो वो मैं दे देती हूँ। तो ये सारी तैयारी मैंने करके रखी थी पहले से, कटिंग करके, प्याज है, बीट है, कोतमीर है, आलू है, चटनीज़ है, और ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके रखी थी ताकि फ़ौरन फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये पानी पूरी का पानी जो बना है उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। ये हमने बनाया है शिकंजी, बर्गर की पैटी भी मैं फ्राई करने रख दी हूँ, इसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। हैप्पी एनिवर्सरी। तो आपने देखा मेरे दामाद का रिएक्शन, ये हमारी सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी थी, तो वो बेचारे जो है घर के ड्रेस में घूम रहे थे इधर उधर संडे मनाते हुए, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे बताना तो था कि कम से कम मैं ड्रेस तो चेंज करके आता। तो हमने कुछ गिफ्ट भी रखे हैं उनके लिए, उनको पता नहीं है तो ये खोल रहे हैं। वो खुद इतना सरप्राइज हो गए इस फ्रेम को देख के कि इतने 5 साल का कलेक्शन तुम लोग कहाँ से जमा किए, और बहुत खुश हो गए, बहुत पसंद आया उनको। बस उनको एक ही अफसोस रह गया कि मुझे बोलते तो मैं कम से कम ड्रेस जरा चेंज करके आता, ऐसे ही मेरे को घर के ड्रेस में मैं आ गया। तो सारा टेबल हमने सजा लिया है, केक भी रख दिया है और घर में खुशी का माहौल है, सब बहुत खुश है। यही मौका होता है कि जब खुशियाँ थोड़े थोड़े दिनों में हमारे घर में मनाई जाती है। आज मौका मिल गया एनिवर्सरी का,
तो हम लोग ने एनिवर्सरी के मौके पे हम सब मिलके खुशियां मना रहे हैं। तो चलिए अभी बेटी दामाद सब आ गए हैं, तो मैं फटाफट जल्दी से तैयार करके प्रिपेयर करके फटाफट मैं टेबल पे लगा देती हूँ और हम लोग इस एनिवर्सरी को एंजॉय करते हैं। Happy birthday to you. Anniversary. Happy anniversary to you. Happy anniversary. क्या तुम 5 साल के बाद मम्मी डैडी के साथ anniversary करते पहले? जी हाँ। चलो तो ले लो पड़ेगा। चलो। जो। जब हार्डा। अभी वापस आ वापस। हाँ। तुम तो खिलाओ, फोटो नहीं लिया यार। अल्लाह सलामत रखे। तो इस एनिवर्सरी में हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किए और बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के साथ मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।